गुड इवनिंग एंड जैन बच्चों बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों जैसा आपने देखा है वैसे ये चुटकियों में हल करने में बताने जा रहा हूं कि जो इस तरह की सीरीज होती है जो मिसिंग नंबर्स होते हैं लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स होते हैं उनको कैसे हम तुरंत चुटकियों में जान सकें कि कैसे हल करना है। तो इसका एकदम बेस्ट ट्रिक आपको मैं बताने जा रहा हूँ। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी सर जो रिक्त स्थान भरना होता है जो लेटर्स अल्फाबेट्स हैं उसको हम कैसे जानेंगे। ठीक है तो बच्चों आइए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है बच्चों मैं NMMS की आपको तैयारी कर रहा हूँ नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप और ये देखिए जो सवाल है बच्चों हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं चाहे वो SSC का हो रेलवे का हो रीजनिंग के प्रश्न इस तरह के आते ही आते हैं और साथ में बैंकिंग PO सब में ये काम करेगा बच्चों। तो अगर आप अभी से सीख लेते हैं और NTSC के जो एग्जाम होते हैं क्लास 10th के बच्चे देते हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन तो उसमें भी इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो जो भी बच्चे अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के जरिए आप बेस्ट ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ जिससे आप चुटकियों में इस तरह के सवालों को हल कर लेंगे। ठीक है आइए इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। बच्चों देखिए ये था आपका पहला प्रश्न। ठीक है तो ये तरीका इसका ये है कि देखिए सबसे पहला चीज़ है कि आपको सवाल देख के पहली बात जो ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस रहते हैं ना उनको आपको एकदम से नहीं देखना है। ठीक है और दूसरा जो आपको क्या करना है कि आपको इसमें ढूंढना है कि हमें जोड़ा बनाना है तो कितने कितने अल्फाबेट का आपको जोड़ा बनाना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ तरीका क्या है उसका। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसमें जितने भी जगह खाली दी गई हैं और जितने भी अल्फ़ाबेट दिए गए उनको गिन लेना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि कुल 12 अल्फाबेट है। अभी तो देखिए इस एग्जांपल में आपको 12 हैं मैं चेंज करके भी बताऊंगा कि आपको फिर सोचना कैसे है। तो इसमें देखिए जोड़ा जो बनेगा वो बन सकता है आपका कैसे कैसे 3×4 का मतलब कि 3 एक साथ रहेंगे फिर कोमा फिर 3 एक साथ रहेंगे कोमा फिर 3 एक साथ रहेंगे कोमा फिर 3 एक साथ रहेंगे इस तरह से या तो 4×3 यानी कि मतलब 4 का बनेगा 1, 2, 3, 4 मतलब ये आपके कुल 3 बनेंगे 1, 2, 3। तो आप इसको जानेंगे कैसे कि भाई ये कौन वाला हम इसको करने जा रहे हैं बच्चों। अब देखिए अब हमें चेक करना है कि हमें इसको क्या करना है 3×4 वाला लेना है कि 4×3 वाला लेना है। ठीक है तो आइए इसको समझते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले हम देखिए ये वाले ऑप्शन को ट्राई करेंगे इसके बाद इस वाले को करते हैं। ठीक है 1, 2, 3 ऐसे बांट दीजिए फिर 1, 2, 3 बांट दीजिए 1, 2, 3 बांट दीजिए 1, 2, 3 बांट दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि अब अल्फाबेट्स को आपको मिलाना बी है और यहाँ पे देखिए बीच में बी इसमें बी आ रहा है इसका मतलब हाँ ठीक हो सकता है पहला ए हाँ पहला ए आ रहा है पहला ए भी आ रहा है ए भी आ रहा है हाँ ये तो सही लग रहा है। ठीक है तो इसको हम भरने की कोशिश करते हैं। देखिए सी बी के बाद सी है तो यहाँ हम सी डाल दें। ठीक है बी के पहले देखिए यहाँ बी के पहले क्या है ए है। ठीक है तो हम यहाँ क्या करते हैं ए डाल देते हैं। ठीक है वैसे ही देखिए ए के बाद क्या है बी है तो यहाँ पे भी क्या करेंगे ए के बाद बी और बी के बाद क्या है सी डाल देते हैं और ए बी के बाद क्या है सी डालते हैं। देखिए हमें पूरी सीरीज मिल गई ABC ये एकदम सही हो गई। अगर यही हम मान लीजिए ये वाला अप्लाई करते हैं 4×3 वाला। ठीक है तो हम इसकी बनाते हैं अगर 4 की बनाते हैं मान लीजिए ये वाली बनाते हैं 1, 2, 3, 4 अब देखिए ABCA ठीक है ABCA और दूसरा वाला बना BCAB तीसरा क्या बना CABC तो आपको खुद ही दिख रहा होगा कि ये देखिए सीरियल वाइज तो है ही नहीं तो इसलिए आपको देखिए समझ में आ जाएगा कि आपको 4×3 करना है कि 3×4 करना है। ठीक है बच्चों तो इससे क्लियर हो गया होगा आपको कि आपको यही रूल फॉलो करना था 3 का ही जोड़ा बनाकर इसको 4 भागों में कुल बांटना था। ठीक है अब मुझे ख्याल समझ में आ गया होगा आइए सेकेंड ऑप्शन को देखें और जो दूसरा क्वेश्चन आपने देखा है बच्चों इसमें भी वही तरीका अपनाना है। सबसे पहले हमें काउंट करना है कुल कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 हैं तो 15 हैं तो भाई 15 को हम कैसे कर सकते हैं। देखिए 15 को हम कैसे कर सकते हैं या तो देखिए 3×5 या आपका 5×3। ठीक है तो अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो अगर आप इस वाले में देखिए 3 का अगर हम लेते हैं देखिए यहाँ तक देखिए बी आ रहा है ये इस वाले में देखिए ए आ जा रहा है तो अगर हम 3 का लेते हैं यहाँ बी यहाँ ए तो मैच कर रहा है एकदम मैच नहीं कर रहा है तो पहले ही हमें पता चल गया कि भाई ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। अब 5×3 वाला देखिए मतलब 5 अल्फाबेट हम लेने 1, 2, 3, 4, 5 अब हम ध्यान दें
यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, हाँ भाई लगभग मिल रहा है। यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, हाँ ये भी मिल रहा है, अभी यहाँ नहीं है क्योंकि जगह खाली, हमें तो पता ही नहीं। अब हम भरना स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। अब देख रहे हैं कि सी के, देखिए यहाँ पर सी के पहले क्या है, सी, तो सब जगह सी के पहले सी हम डाल देते हैं, ठीक है। एक चीज़ हमको मिल गई। अब हम देखें कि सी के बगल में यहाँ क्या है, सी के बगल में बी है, सी के बगल में बी है, यहाँ पे भी क्या करेंगे, सी के बगल में हम बी डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं बी के बगल में क्या है, ए है, तो बी के बगल में ए डाल देंगे, बी के बगल में ए डाल देंगे। अब हम देखें भाई सब मिल रहा है, हाँ ए ए बी सी सी, फिर यहाँ पे भी देखिए ए ए बी सी सी, वैसे ही देखिए यहाँ पे भी देखिए ए आ जाएगा, ए ए बी सी सी, देखिए पूरी सही एक सीरीज हमें मिल गई कि नहीं, जो हमें चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपको सवालों को हल करना है, ठीक है। अब आइए एकदम मैं बुक की जो पीडीएफ है उस पर चल रहा हूँ, उस पर मैं सवालों को आपको बहुत जल्दी हल करके बताऊंगा। मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जोड़ा कैसे, पेयरिंग कैसे बनानी है बच्चों। बच्चों देखिए अब हम लोग पीडीएफ पे आ गए हैं, रिक्त पद भरना, ठीक है। तो इसका पहले एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कुल 9 अल्फाबेट है। तो भाई 9 है तो क्या हो सकता है भाई, 3 × 3 ही तो कर पाएंगे, और तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हम 3 के जोड़े बना लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब में बीच में ही गैप है, और पहला और आखिरी अल्फ़ाबेट सबके सेम है, इसका मतलब जो बीच का अल्फ़ाबेट आएगा वो सब बराबर आएंगे। तो हमें कुछ और देखने की जरूरत नहीं, देखते हैं भाई किसमें लगातार दिया है, इसमें डी डी सी है, इसमें सी सी डी है, इसमें सी डी सी, इसी में देखे डी 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 है, ठीक है। तो सब में डी 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 भर दीजिए, कोड क्या बना, सी डी डी, देखिए सब में सी डी डी आ गया कि नहीं आ गया। तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी, ठीक है। इसमें डायरेक्ट आप मतलब पहले तो ये देखना था कि भाई सी डी सब में एक कॉमन, जैसा तीनों सीरीज में है तो बीच वाला जो अल्फ़ाबेट है वो सेम होना था, इसलिए आप तुरंत इस सवाल को इस तरीके से हल कर सकते थे, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी मैंने उसमें दिखाया हुआ है कि इसको कैसे हल करेंगे। तो इसमें भी देखिए कुल कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बन रहा है बच्चों। तो 12 का मैंने बताया ना, या तो 3 × 4 होगा या तो 4 × 3 होगा। तो सबसे पहले हम 3 × 4 ही देखेंगे, हमेशा यही करना है आपको, ठीक है। तो इसको हम बांट देते हैं, 1 2 3 1 2 3। अब हम देख रहे हैं ये जो है आपका सीरीज बन रही है, यहाँ पर H है, आखिरी में यहाँ U आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 ये, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है, ये बच्चों मैच नहीं कर रहा है। तो हम करेंगे क्या, इसका मतलब ये देखिए ये वाला अप्लाई नहीं होगा, 3 × 4 वाला नहीं हो रहा है, अब 4 × 3 क्योंकि अलग आखिरी में H नहीं आ रहा है, देखिए आखिरी में यहाँ U आ रहा है, इसका मतलब ये वाला सीरीज नहीं है, ठीक है, इससे पता चल जा रहा है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं 4 × 3 वाला, देखें अब इसको फिर से बांटता हूँ, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इस वाले में देखिए यू यू, हाँ यहाँ तक तो मैच कर गया भाई, ठीक है। अब इस हिसाब से मैं रख दे रहा हूँ, देखिए एच के बाद यहाँ पर यू है, ठीक है, तो H के बाद यहाँ U रख दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी भाई H के बाद U है, तो H यहाँ लिख दे रहा हूँ, और H के पहले यहाँ देख रहा हूँ कि N है, यहाँ N रख दे रहा हूँ, यहाँ पे N रख दे रहा हूँ, और N के पहले यहाँ क्या है, B है, तो B रख दे रहा हूँ। तो देख रहा हूँ B N H U, ये सीरीज बन रही है, देखें B N H U, ठीक है। तो अब ये देखिए पूरा कंफर्म हो गया, यही इसका सीरीज बन रही है। तो जो जो खाली स्थान है देखिए, B है, फिर N है, फिर U है, फिर N है, फिर यहाँ पर क्या आएगा, B आएगा, फिर H आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका C जो है बच्चों सही है, ठीक है। आपको देखिए मेन क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जो खाली स्थान है किन किन अल्फ़ाबेट से भरे जाएंगे, और जो तरीका मैंने बताया कि आपको बांट लेना है 3 या 4 के पेयर में, तो उससे आप आसानी से अल्फ़ाबेट जान जाएंगे, और ये अल्फ़ाबेट जब भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यही आ रहा है। तो आपको सबसे पहली बात ऑप्शन कभी भी नहीं देखना है, पहले आपको जोड़े में बांट लेना है, जोड़े में बांट के अल्फ़ाबेट को देखकर आपको हल निकालना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 का है, तो हम 3 × 4 वाला देखते हैं और 4 × 3। तो सबसे पहले हमने ये वाला देखें कि भाई कितने की पेयरिंग बन रही है इसमें, ठीक है। तो 3 3 में बांटें, तो ये तो देखिए 3 3 एकदम कन्फर्म नहीं बट रहा है, ठीक है, इसलिए नहीं बट रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका इस वाले में इसके बाद ये ए ए ए आ जा रहा है, इसका मतलब हमें क्या करना है, इसको 4 × 3 वाला देखना है, ठीक है। तो 4 × 3 के लिए देखें भाई,
एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अब देखें यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, हाँ मैच कर रहा है, आखिरी में भी ए, मतलब चार वाला पॉसिबल लग रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखिए ए बी, यहाँ ए आ जाएगा, इसके हिसाब से देखिए ये वाला ए आखिरी में है, और यहाँ पे भी ए के बगल में ए था, ठीक है, और यहाँ पर क्या था, बी था, तो हमें क्या मिला, ए ए बी मिला, ठीक है। तो आंसर देखिए मैं किस में है, आंसर नंबर ये बी में है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इसको हमें सॉल्व करना, तो ये क्या था, चार गुणे तीन वाला था, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन नंबर फोर को देखें, क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से 12 है, तो चार गुणे तीन, या तो चार गुणे तीन गुणे चार, या तो चार गुणे तीन। तो इसमें देखें भाई, इसमें क्या बन रहा है, तीन का पहले बांटें, एक दो तीन, एक दो तीन। अब यहाँ देखिए, यहाँ आर आ रहा है, यहाँ ई आ रहा है, मतलब ये तीन वाली तो सीरीज नहीं है, ये वाली ऐसी ख़त्म हो गई। और चार गुणे तीन का देखें, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अब देखें ये वाले में, यहाँ देखिए डी सेकंड पे आ रहा है, डी सेकंड पे आ रहा है, ठीक है, ई पहले पे आ रहा है, ई पहले पे आ रहा है, दोनों में। इसका मतलब ये चार वाली सीरीज है बच्चों। अब हम भर रहे हैं, यहाँ डी के पहले क्या है, ई, तो यहाँ पे भी डी के पहले क्या करेंगे, ई, ठीक है। वैसे ही देखें, ई के बाद डी है, तो ई के बाद डी यहाँ भर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डी के बाद क्या है, आर है, तो आर भर दे रहे हैं, और आर के बगल में क्या है, जी है, तो सब में जी भर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें देखिए पूरी मिल गई सीरीज, ई डी आर जी, यही लगातार रिपीट हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है, जो भी रिक्त स्थान भरे हैं, तो उससे हमें जान लिया कि ये वाला इसका आंसर है, ठीक है। कभी भी आपको ऑप्शन बच्चों नहीं देखना है, मुझे उम्मीद है ये पूरा समझ में आ गया होगा वीडियो बच्चों आपको। अब थोड़ा समय ज़्यादा हो रहा है, मैं आपको ये एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसका, आप मैं क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिख के भेजिएगा कि पहला का आपका क्या ए है, दूसरा का क्या है, इस तरह से आप लिख के और अपना नाम लिख के भेजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या इसके आंसर्स हैं। अभी मैं बस ये सात सवाल आपको दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा कि सर अच्छा लगा। अगर इस तरह के और वीडियोज़ चाहिए, एक और पार्ट मैट का बनाना है, तो बताइएगा बच्चों।